तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है उसका जो कल आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ बच्चों, यानी कि 16 दिसंबर 2022 को जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उसके लिए बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर कह लीजिए या सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए कवर करने वाले हैं, यानी देखने वाले हैं। जो कल आपका पेपर होगा उसके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है कल के आपके पेपर के अंदर डिट्टो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है उसके। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। कल जो आपका पेपर होने वाला है एग्जैक्ट इसी पैटर्न में आएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल के पेपर में रिपीट भी होंगे, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वैसे तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी इसी तरह के अदर सब्जेक्ट के भी सैंपल पेपर लेकर के आते रहे, तो जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। लाइक अगर आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन का लेवल करोड़ों लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। हमें लगता है कि बच्चों को और वीडियोस की जरूरत है और सैंपल पेपर्स की जरूरत है, इसीलिए हम आपके लिए और भी सैंपल पेपर्स लेकर के आते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर और इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 301 यानी कि 301, और प्री बोर्ड जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं। कल जो आपका पेपर होगा इंग्लिश का 3 घंटे का पेपर होगा और 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, जिसको हिंदी में आप सामान्य निर्देश बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखिए बच्चों क्या बता रखा है पहले नंबर पॉइंट में, कि 15 मिनट प्रायर रीडिंग टाइम अलाउड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग, यानी कि ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको 15 मिनट का टाइम अलाउ करे कि इसमें आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सके, समझ सके कि क्वेश्चन पेपर आपका आया कैसा है। ठीक है, जो टीचर आपका एग्जाम ले रहे होंगे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ यहाँ पर बता रखा है कि ये जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा कल या कह लीजिए अभी जो हम लोग करने वाले हैं, ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, पहला सेक्शन जो रहेगा आपका वो रीडिंग वाला सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर पैसेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पढ़ करके उत्तर आपको देना है। दूसरा सेक्शन जो रहेगा वो राइटिंग वाला सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं लाइक लेटर वगैरह, आर्टिकल हो गया आपका, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, नोटिस वगैरह, तो आपके राइटिंग वाले सेक्शन के अंदर यानी सेक्शन बी के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, रीडिंग वाला सेक्शन सेक्शन ए रहेगा, राइटिंग वाला सेक्शन सेक्शन बी रहेगा, और लास्ट का एक सेक्शन बचता है सेक्शन सी, जिसको लिटरेचर वाला सेक्शन आप बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो आपकी 2 बुक है उस दोनों बुक के अंदर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा इंग्लिश का वो 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा। पहला सेक्शन होगा रीडिंग, दूसरा राइटिंग और तीसरा लिटरेचर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बता रखा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको अलग से हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पर बता रखा है कि राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट टू इंडिकेट द ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड, यानी कि आप जो भी अपना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं अपने आंसर शीट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने 5वां क्वेश्चन अटेंड किया तो वहां पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर डालिए। ऐसा नहीं कि आप 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां क्वेश्चन नंबर 10 डाल रहे हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको करेक्ट आंसर लिखने के साथ साथ करेक्ट क्वेश्चन नंबर भी लिखना है। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। और ये कुछ बातें थी जो कल आपका पेपर होने वाला है, बेसिकली उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए हम अपने पेपर को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे उसका आंसर हमें
देना है। चलिए वीडियो को शुरू, हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहता है, जाहिर सी बात है। और ये जो सेक्शन रहेगा आपका, ये 20 मार्क्स का यानी 20 नंबर का रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसी सेक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि ये जो आपको गद्यांश दिया हुआ है, ये जो पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये जो पैसेज है ये है आपका लाइफ बियॉन्ड अकेडमिक्स, यानी कि अकेडमिक्स के बियॉन्ड, यानी कि जो आपका, जिसको हिंदी में आप शिक्षाविदो बोलते हैं, इसके बियॉन्ड भी जीवन है, ठीक है। इस चीज के ऊपर ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पैसेज है, पैसेज पूरा का पूरा रीड आप कर लीजिए और इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन देगा और जो भी आंसर होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। पैसेज अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम यहाँ पर हमारा वेस्ट होगा, क्योंकि कल पेपर है तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। बाकी एक दो लाइनें दिखा देता हूँ, मतलब पढ़ के बता देता हूँ कि अकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन जो है सो कि एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट जो है सो कि प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, यानी कि जो अकादमिक है हमारे मानव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है, यह हमारे बाहरी दुनिया में जीवित रहने और अपनी खुद की पहचान स्थापित करने के लिए तैयार करता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये अकेडमिक्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 21st सेंचुरी वगैरह के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से अकेडमिक वहां पर मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये इस तरह से आपका ये यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको रीड करना है पूरा का पूरा, और इसके बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आपको देना है। तो देखिए इसी के बेसिस पे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो 1 into 10, यानी कि जो भी आपने पैसेज पढ़ा, गद्यांश पढ़ा ऊपर में, तो उसके ऊपर जो भी आपको समझ में आया, जो भी आपने अंडरस्टैंड किया, जो भी आपके जितना भी आपने समझ पाया उसके अकॉर्डिंग आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करेगा, यानी एक क्वेश्चन जो होगा आपका एक नंबर का होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इज हिंडर्ड बाय, यानी कि छात्रों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, कैसे होती है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिमिटिंग एजुकेशन टू अकेडमिक बाउंड्रीज, ठीक है, यानी कि शिक्षा को शैक्षणिक सीमाओं तक सीमित करना। अगर हम लोग शिक्षा को सिर्फ यहाँ पर अकेडमिक्स तक ही सीमित रखेंगे तो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, इस तरह से आप इसका आंसर पहला वाला सिलेक्ट कर देंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि फ्रॉम अर्लियर टाइम्स व्हाट हैज नॉट बीन द फोकस ऑफ एजुकेशन, यानी कि पहले के समय से शिक्षा का फोकस क्या नहीं रहा है, ठीक है। तो बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक, यानी कि रचनात्मक और कह सकते हैं यूनिक जो है आपका अद्वितीय होना, ये पहले के समय से शिक्षा का फोकस जो है सो कि नहीं रहा है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पैसेज के अंदर से पूछे गए हैं, तो ये मत बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ से ला रहे हो, ये सारे क्वेश्चन उसी पैसेज में से है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उसी के अंदर से आपको आंसर ढूंढ करके लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो हिंट जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको करना है। आगे चले तो सी में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई आर सॉफ्ट स्किल्स जो है सो कि डिफिकल्ट टू टीच इन द क्लासरूम, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स को कक्षा में क्लासरूम के अंदर पढ़ाना कठिन क्यों होता है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स आर डेवलप्ड ओनली जो है सो कि थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव लर्न, यानी कि सॉफ्ट स्किल जो होता है ना, केवल व्यावहारिक अनुभव जो है सो कि उन्होंने सीखा है उसे लागू करने के अवसरों के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है, प्रैक्टिकली चीजों को देखा जा सकता है, तभी सॉफ्ट स्किल को यहाँ पर हम लोग सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आगे चले अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि द शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम मींस, यानी कि शिक्षा प्रणाली के अंदर जो बदलाव आया है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब होता है टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास पर ध्यान देना कि बच्चा का हर एक चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, खाली उसका पढ़ाई का ही डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उसका ओवरऑल बॉडी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, माइंड भी डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि को सर्कुलर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम डू नॉट हेल्प इन, यानी कि सब पाठ्यक्रम गतिविधियां जो कक्षा के बाहर होती है उसमें मदद नहीं करता है। क्या मदद नहीं करता है? इंटरेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास जो होता है वो उसके अंदर मदद नहीं करता है। ठीक है, जो जो है सो कि आउटसाइड में होता है, मतलब क्लासरूम के बाहर होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हाट विल गिव चिल्ड्रन अ बेटर इंसाइट इनटू इंडस्ट्री, यानी कि क्या बच्चों को उद्योग के बारे में बेहतर जानकारी देगा। तो वो है आपका विजिटिंग इंडस्ट्रीज विल गिव अ बेटर इंसाइट इनटू इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों का दौरा करने से उद्योगों में बेहतर जो है सो कि अंतर्दृष्टि मिलेगी, यानी कि अगर उनको बेटर तरीके से इंडस्ट्रीज के बारे में सिखाना है बच्चों को तो उनको वहां विजिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के, ध्यान रखिएगा। जी में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ को सर्कुलर एक्टिविटीज हैव बीन पॉइंट्स ऑफ फोकस टुडे, यानी कि आज किस प्रकार की सह पाठ्यक्रम गतिविधियां फोकस का बिंदु बन गई है। तो वो है आपका को जो है सो कि करिकुलर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम बट रेनफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम सर्कुलर सर्कुलरम, यानी कि सॉरी करिकुलम। तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जो कक्षा के बाहर होती है लेकिन कक्षा के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ या पूरक करती है, तो ये आज के टाइम पे क्या हो गया है, गतिविधि फोकस का बिंदु बन गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर शुड स्टूडेंट्स गो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, यानी कि छात्रों को सौंदर्य विकास के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि छात्रों को बाहर की दुनिया में कदम रखना चाहिए अगर उनको अलग से अपना एस्थेटिक डेवलपमेंट करना है तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, यानी कि कक्षा शिक्षण प्रदान करता है, क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है। तो द जो है सो कि फाउंडेशन, यानी कि बुनियाद एक तरह से तैयार करवाता है, बुनियाद जो है उनको प्रदान करता है बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट, यानी कि जो आपके अतिथि जो आपके स्पीकर्स होते हैं वक्ता होते हैं उनकी बात करते हैं, किनकी बात करते हैं, तो देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि उनके वास्तविक जीवन के अनुभव के बारे में। जो गेस्ट स्पीकर आप देखते होंगे जो स्कूल में आते हैं, कोई अलग से स्कूल से बाहर से कोई लोग आते हैं तो वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं, बल्कि जो टीचर्स होते हैं वो आपको थियोरिकल नॉलेज देने पर ज्यादा फोकस करते हैं, किताबी लैंग्वेज या किताबी बातें बताने पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप का है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यहाँ पर आपको ये पैसेज दे रखा है, इसको आपको रीड करना है और ये भी 10 मार्क्स का होने वाला है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका आंसर आपको देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिशरमैन के ऊपर है, यानी कि मछुआरे के ऊपर। अब फिशरमैन जैसे कि जो उसकी एज वगैरह होती है ये ज्यादा नहीं होती है, और सी के अंदर उसको मतलब जाहिर सी बात है काम करना पड़ता है, इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर दे रखा है ये पैसेज। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिशरमैन जो होता है उम्र के साथ कमजोर होता चला जाता है, जाहिर सी बात है। देखिए, समुद्र में काम करने वाला आदमी थोड़ा कम लाइफ भी जीता है, मतलब नेवी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मल एक फिशरमैन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब लिखना क्या है पढ़िए पहले इसको, उसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसको देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे लिखना है आपको। तो इस तरह से आपका ये पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिशरमैन के बारे में है कि कैसे वो मछली पकड़ता है, क्या रहता है उसका जीवन शैली, लाइफ स्टाइल क्या रहता है, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। इस तरह से आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, तो ये काफी लेंदी पैसेज है। आगे चले तो यहाँ पर देखिए इसी पैसेज के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि जो आपने गाद्यांश पढ़ा उसको अपनी समझ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर भी कोई 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और एक क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हाई डिड द फिशरमैन स्टैमर व्हेन आस्क्ड इफ ही न्यू अबाउट द बर्ड, यानी कि मछुआरे से जब पूछा गया कि क्या वह पक्षी के बारे में जानता है तो वह क्यों जो है सो कि हकलाया।
वो इसलिए हकलाया क्योंकि ही वॉज कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन द किंग्स रिवॉर्ड्स एंड हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द बर्ड, यानी कि वह राजा के इनाम और पक्षी के प्रति उसकी कृतज्ञता के बीच संघर्ष कर रहा था, ठीक है, इसलिए वो हकला गया था मछुआरा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द फिशरमैन गेट कहा टू कम डाउन, यानी कि मछुआरे ने कहा को नीचे कैसे उतारा। तो वो इस तरह से उतारा कि द फिशरमैन इनवाइटेड कहा टू हिज हाउस फॉर अ फेस्ट इन ऑर्डर टू थैंक हर फॉर एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ के लिए धन्यवाद करने के लिए कहा को दावत के लिए अपने घर आमंत्रित किया, और इस प्रकार से मछुआरे ने कहा को जैसे कि उतारा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वाई वाज द किंग जैसे कि डेस्परेटली लुकिंग फॉर कहा द बर्ड, यानी कि राजा का जो मतलब पक्षी था उसको व्याकुलता से क्यों ढूंढ रहा था। तो वो इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि द किंग वाज ब्लाइंड एंड रिक्वायर्ड कहास ब्लड फॉर हिज आइस, यानी कि राजा अंधा था और उसे अपनी आंखों के लिए कहा का खून चाहिए था, ठीक है। इसीलिए जो राजा था, किंग था, वो डेस्परेटली एकदम मतलब खतरनाक तरीके से उस बर्ड को ढूंढ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज रोलिंग इन मनी इन द पैसेज रेफर टू, यानी कि परिच्छेद में रोलिंग इन मनी वाक्य का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बड़ी रकम होना, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चले तो ई में देखिए क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिड द बर्ड वॉलेंट्री टू ब्रिंग फिश फॉर द ओल्ड मैन, यानी कि पक्षी ने बूढ़े आदमी के लिए मछली लाने के लिए स्वेच्छा से क्यों कहा। तो वो इसलिए कहा क्योंकि द बर्ड टुक पिटी ऑन द ओल्ड मैन एंड वांटेड टू हेल्प हिम, यानी कि चिड़िया को बूढ़े पर दया आ गई और वह उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए पक्षी ने बूढ़े आदमी के लिए मछली लाने के लिए स्वेच्छा से कहा था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट लीड द टू सेंस दैट द फिशरमैन माइट नो समथिंग अबाउट कहा, यानी कि किस कारण से दरबारी को लगा कि मछुआरे को कहा के बारे में कुछ पता हो सकता है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि द फिशरमैन फंबल्ड व्हेन आस्क्ड अबाउट कहा, यानी कि कहा के बारे में पूछने पर मछुआरे ने ठहाका लगाया, इसीलिए जो दरबारी को लगा कि मछुआरे को कहा के बारे में कुछ पता हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3rd है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ डिड द बर्ड मैनेज टू एस्केप, यानी कि पक्षी कैसे भागने में सफल रहा। तो पक्षी भागने में सफल रहा क्योंकि द बर्ड फ्ले अवे अलोंग विथ द फिशरमैन जो है सो कि क्लाइंगिंग ऑन द ऑन टू हर लेग, ठीक है, यानी कि चिड़िया उड़ गई और मछुआरा उसके पैर से लिपट गया, इसी प्रकार से पक्षी भागने में सफल रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कहा, यानी कहा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो वो है कहा सेव द फिशरमैन फ्रॉम द किंग्स रैथ, यानी कि कहा ने मछुआरे को राजा के क्रोध से बचाया, ऐसा नहीं हुआ था, वो उसके राजा का जो क्रोध था उससे मछुआरे को फिशरमैन को नहीं बचा पाया था। तो ये चीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मेंशन टू ट्रेट्स ऑफ फार्मर्स कैरेक्टर जो रिलेवेंट थ्रू द स्टोरी, यानी कि कहानी के माध्यम से किसान के चरित्र के दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो ग्रीडी और जो है सो कि ट्रेटर, या फिर बिट्रोयर, या फिर जो है सो कि डिसीवर, यानी कि लालची कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, विश्वासघाती, या फिर धोखेबाज कहा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वाई वाज द फिशरमैन डाउटफुल अबाउट रिलेविंग इंफॉर्मेशन जो है सो कि अबाउट कहा टू कोर्ट, यानी कि कहा के बारे में दरबारी को जानकारी देने में संदेह क्यों था फिशरमैन को, ठीक है। तो वो इसीलिए था, ही वाज वरीड अबाउट हिज सप्लाई ऑफ फिश एज द बर्ड वुड बी किल्ड, यानी कि वह मछली की अपनी आपूर्ति के बारे में चिंतित था क्योंकि पक्षी मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था, और हमारा जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप कि आपको सेक्शन ए पूरा का पूरा समझ में आया होगा बच्चों।
और यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, जो सेक्शन ए होता है वो आपका चेंज हो करके आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चेंज हो करके आता है। तो कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर यहाँ पर पैसेज कैसे करें, पैसेज कैसे करें, बता दीजिए हमें, ट्रिक बता दीजिए कोई। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है भाई पैसेज करने का, कि ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पैसेज करने का, उतना ज्यादा आप पैसेज जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आपको पहले कोशिश करना है, यहाँ पर एक छोटा सा टिप और दे देता हूँ आपको, जो मेरे टीचर ने मुझे अपने टाइम पे दिया था, जब मैंने अपना 2019 में बोर्ड एग्जाम दिया था, तब हमारे टाइम पे 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर आया करता था। तो मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे अमित तोमर सर, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था कि बच्चे पहले आप या तो सेक्शन बी अटेम्प्ट करना या सेक्शन सी अटेम्प्ट करना। मैंने बोला सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि सेक्शन बी वाला जो रहता है वो ग्रामर का पोर्शन रहता है, पूरा राइटिंग ग्रामर का सेक्शन रहता है, उसके अंदर आपको फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन थोड़ा गलत भी किया तो फॉर्मेट के आपको नंबर मिल जाएंगे। और जो सेक्शन सी रहता है आपका, वो रहता है आपके बुक से, यानी कि जो दोनों आपकी बुक है, विस्टास वाली और फ्लेमिंगो वाली, उन दोनों बुक से सेक्शन सी यानी लिटरेचर वाला जो सेक्शन बनता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुक तो आपने पूरे साल भर पढ़ा है, और ये जो ग्रामर है वो भी कहीं ना कहीं आपको आता होगा, उसकी भी प्रैक्टिस आपने की होगी, लेकिन पैसेज में बच्चे अटक जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है हमारा, क्योंकि टाइम तो 3 ही घंटे का मिलना है पेपर करने का। तो इसीलिए मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि या तो आप पहले सेक्शन सी कर लीजिए, अगर आपको बुक के क्वेश्चन आंसर सारे आते हैं तो। अगर आप सेक्शन सी नहीं कर सकते तो सबसे पहले सेक्शन बी अटेंड कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने अपना प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दिया था तो सबसे पहले जहां तक है मैंने अपना सेक्शन बी अटेंड किया था, ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी ऑलमोस्ट मेरे को आता था, फिर सेक्शन सी अटेंड किया था और लास्ट में सेक्शन ए अटेंड किया था, पैसेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए ये एक छोटी सी एडवाइस थी, आप मानेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जो कि आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला यानी ग्रामर वाला रहेगा, जिसके अंदर नोटिस वगैरह और ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, 5 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको दे दिया है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं तीसरे के ए में क्या क्वेश्चन दिया है कि ड्यू टू एक्यूरेट वेदर शॉर्टेज दिस समर यू आर कंसर्न अबाउट एडवाइजिंग द रेजिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी फॉर सेविंग वाटर एज प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए ए ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली, ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू मेक द रेजिडेंट्स अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट मेजर्स, ठीक है। यानी कि इस गर्मी में क्या हुआ है, पानी की भारी कमी के कारण आपकी कॉलोनी में जो निवासी रहते हैं ना, उनको पानी बचाने की सलाह देना है आपको, क्योंकि गर्मी है भाई, जाहिर सी बात है अभी तो ठंडी है लेकिन ये गर्मी के संदर्भ में दे रखा है कि भाई पानी बहुत ज्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट है और गर्मी में पानी वैसे भी नहीं रहता है। तो आप अध्यक्ष है RWA जो है वसंत कुंज दिल्ली के, और आपको अपने जो जो आपके कॉलोनी वाले हैं उनको एक नोटिस के थ्रू ये बताना है कि पानी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। 50 शब्दों में आपको ये नोटिस करना है। तो अगर चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके चॉइस में भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जी हाँ बच्चों, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके चॉइस में क्वेश्चन पूछा है कि यू आर राधा या राहुल एज द प्रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी करोल बाग न्यू दिल्ली, राइट अ नोटिस रिक्वेस्टिंग रेजिडेंट्स नॉट टू यूज पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पज इन 51। यानी कि आप जो है राधा है या राहुल है, अगर आप लड़की है तो आपका नाम राधा होगा, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम राहुल होगा। रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी करोल बाग के हैं आप, वहां रहने वाले हैं नई दिल्ली के। अध्यक्ष के रूप में निवासियों से अनुरोध करते हुए एक नोटिस लिखना है कि वे सफाई के उद्देश्य से पीने का जो पानी होता है ना, जो आप पानी पीते हैं वो वाला जो पानी होता है, पीने योग्य पानी, उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा ना करें, सफाई के लिए जैसे कार धोने के लिए, बाइक धोने के लिए, ये सब काम के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, ताकि पानी को बचाया जा सके। तो इसके ऊपर आपको 50 शब्दों में एक नोटिस लिखना है, ठीक है। तो मैंने ये वाला आपको करके दिखाया है, बाकी ऊपर वाला ये जो नोटिस है ये मैंने जो सैंपल पेपर नंबर 1 बनाया है
ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और सैंपल पेपर की वीडियो बनाई है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन आपका कवर कर रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने कवर करके बता रखा है। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपको ये नोटिस करना कैसे है। और नोटिस करने से पहले थोड़ा सा नोटिस का फॉर्मेट समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि कई सारे बच्चे नोटिस का फॉर्मेट नहीं जानते हैं और नंबर उनके कट जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नोटिस का तो फॉर्मेट ये समझ आप लीजिए। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका नोटिस का फॉर्मेट। किसी भी तरह का आपको नोटिस लिखना है तो इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या है ये, थोड़ा सा समझा दीजिए इसको, तो बिल्कुल समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है नेम ऑफ इशुइंग अथॉरिटी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, जिस अथॉरिटी के द्वारा वो नोटिस लिखा जा रहा है उसका नाम। जैसे कि अभी हम लोग लिखने वाले हैं RWA, यानी जो आप रेजिडेंट हैं करोल बाग के, उसके थ्रू, तो यहाँ पर उसका आ जाएगा नाम। ठीक है, या अगर किसी स्कूल के थ्रू लिखा जा रहा है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए, तो स्कूल का नाम आ जाएगा। या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लिखा जा रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, उस संस्था का नाम आ जाएगा। फिर नीचे चले तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में नोटिस लिख दिया। फिर आपको डेट डालनी है कि जिस डेट के लिए आप लिख रहे हैं। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग डेट डालना है। अगर क्वेश्चन के अंदर डेट दे रखा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखता है, अगर क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं दिया है, ज्यादातर में डेट नहीं देता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको टाइटल या हेडिंग कह लीजिए वो डालना होता है, कि जो भी टाइटल है उस वो डालेंगे। जैसे अभी हम लोग वाटर सेविंग के लिए करने वाले हैं तो हमारा टाइटल होगा सेव वाटर करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइटल या अपना हेडिंग कह लीजिए वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नोटिस होता है उसका मेन बॉडी आ जाता है। ठीक है, या कंटेंट कह लीजिए जिसको, जिसके अंदर आप अपना पहला इवेंट के बारे में बताएंगे, फिर डेट आ जाएगा उसी के अंदर, फिर टाइमिंग आएगा किस टाइम आपका ये काम होने वाला है, फिर वेन्यू आ जाएगा आपका, वेन्यू मतलब किस जगह होने वाला है, अगर कोई चीफ गेस्ट है तो चीफ गेस्ट का नाम आ जाएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा अदर डिटेल्स एंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपको कोई निर्देश देने हैं, इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो आपका लास्ट में आ जाएगा। फिर आपका जो भी नाम दिया होगा क्वेश्चन के अंदर वो नाम आप लिख देंगे, जैसे कि अभी जो हमने देखा उसके अंदर आपका नाम दे रखा है, तो वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पर, सॉरी डेजिग्नेशन जो है यहाँ पर आप वो लिखना है कि किस पद पे है आप, जैसे अभी अध्यक्ष के पद के थ्रू अभी हम लोग लिखने वाले हैं, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से आपको अपना नोटिस लिखना है। जब ये सारे चीज आप लिख देते हैं तो लास्ट में आपको इस तरह का एक डब्बा बनाना है। ठीक है, इस डब्बे के अलग से नंबर होते हैं, ये फॉर्मेट में ही काउंट किया जाता है। जब आप पूरा नोटिस अपना फुल नोटिस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको ये डब्बा बनाना है, क्योंकि अगर आप पहले ही ये डब्बा बना देते हैं तो हो सकता है कि नोटिस आपका इस डब्बे से बाहर चला जाए, और आप पेंसिल से तो लिख नहीं रहे, पेन से लिख रहे हैं तो आप उसको मिटा भी नहीं सकते, और आपका पूरा टाइम और वो नोटिस दोनों खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पूरा नोटिस लिख लेना है, फुल नोटिस लिखने के बाद आपको ये डब्बा या फिर कह लीजिए बॉक्स जो है ये बनाना है। ठीक है, तो ये होता है आपका नोटिस का फॉर्मेट, जो आपको हर एक नोटिस लिखते समय अप्लाई करना है। ये फॉर्मेट के अलग से नंबर होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो आपका अथॉरिटी का नाम था, जैसे कि रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी करोल बाग न्यू दिल्ली, इस तरह से था। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस लिख देना है, मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पर आपको एक डेट लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक डेट लिख दिया है मैंने 15 दिसंबर 2022 का, आज 15 दिसंबर है, कल आपका पेपर है, तो मैंने आज का डेट लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइटल लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइटल क्या लिख दिया, यूज वाटर जुडिशियली। ठीक है, यानी कि जो वाटर है उसको विवेकपूर्ण उपयोग करना है आपको। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मेन नोटिस, तो यहाँ पर आप अपना कंटेंट जो रहेगा नोटिस का वो यहाँ लिख देंगे। जैसे कि जो है यहाँ पर लिखा है मैंने कि कंसीडरिंग द एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कॉलोनी दिस समर, यानी कि इस गर्मी में कॉलोनी में पानी की भारी कमी को देखते हुए ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ वेद कॉलोनी ए एंड बी ब्लॉक आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर बाय क्लीनिंग देयर कार्स जो है सो कि वरंडास एंड ड्राइविंग वेज, यानी कि जितने भी कॉलोनी के निवासी हैं ए बी ब्लॉक में रहने वाले इस कॉलोनी के, वेद कॉलोनी के, तो इन सब से अनुरोध किया जाता है, हाथ जोड़ करके नमन किया जा रहा है कि आप ये जो पीने वाला पानी है उसको बर्बाद ना करें अपने कार को धोने के लिए, बरामदे को धोने के लिए, या फिर और चीज को धोने के लिए। ठीक है, क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा किल्लत चल रहा है,
और वाटरिंग द प्लांट्स विथ अ होस पाइप, यानी कि अपने जो पौधे वौधे को पानी देने के लिए भी इसको बर्बाद ना करें पीने वाले पानी को, ठीक है। फाइन ऑफ 10,000 विल बी इम्पोज ऑन द डिफॉल्टर्स, काइंडली सेव वाटर फॉर बेटर टुमोरो, यानी कि जो जो मतलब एक तरह से डिफॉल्टर्स होंगे जो ये चीजें नहीं मानेंगे तो उनपे 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा, बेहतर कल के लिए पानी बचाएं, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे, प्रेसिडेंट हैं आप, अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ पर राहुल लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो राधा लिखेंगे, ठीक है, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और ये हो गया आपका, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये डब्बा बना देना है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से ये डब्बा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से डब्बा बना देना है, यानी ये बॉक्स बना देना है। तो ये बॉक्स बन गया और आपका नोटिस हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो 5 मार्क्स का, नोटिस भी 5 नंबर का रहेगा आपका और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया है, 2 में से कोई एक आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मिस ज्योतिका रानी हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर जावेद सॉरी जयदेव बाबू फॉर हिज हाउस वार्मिंग पार्टी, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑन हर बिहाफ एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये वाला मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको इन्विटेशन को रिप्लाई करना है एक्सेप्ट करते हुए इस तरह से। तो आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, इसके चॉइस में दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस में एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने ये आपको करके बताया है इस वीडियो के लिए, ठीक है। इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए हैं उसके अंदर मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन वाला करवा रखा है। अब इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जानकी पब्लिक स्कूल, यानी कि आप एक छात्र हैं जानकी पब्लिक स्कूल के, मॉडल टाउन दिल्ली, द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल डे एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM ऑन 26 दिसंबर 2022, द एजुकेशन मिनिस्टर हैज जो है सो की कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, डिजाइन एन इन्विटेशन कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एंड अदर इन्विटीज इन 50 वर्ड्स, 5 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है। यानी कि आप जो है वो छात्र हैं जानकी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली के, 26 दिसंबर 2022 को शाम 5:30 बजे विद्यालय में आपका जो वार्षिक समारोह होता है, एनुअल डे होता है, वो आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जो है एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उन्होंने सहमति दी है कि हाँ वो एक चीफ गेस्ट रहेंगे। माता पिता और अन्य जो आमंत्रित लोग हैं उनको आपको इन्विटेशन कार्ड भेजना है, 50 शब्दों में आपका ये होना चाहिए, इसको आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये है आपका फॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे चले तो यहाँ पर देखिए डिजाइन करके मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि पहले आपको लिख देना है फॉर्मल इन्विटेशन, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्कूल सॉरी स्टूडेंट्स ऑफ जानकी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली रिक्वेस्ट टू प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन, यानी कि जानकी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली की प्रिंसिपल स्टाफ और छात्रों ने आपकी कंपनी की खुशी का अनुरोध किया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है, ऑन कब हो रहा है, ऑन संडे 26 दिसंबर 2022 एट 5 PM, ठीक है, यानी कि 26 दिसंबर 2022 को 5:30 बजे ये हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू है इन द स्कूल ऑडिटोरियम, यानी स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर। और यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन है हमारे, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, यानी कि ये हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो इस तरह से कुछ बातें लिख सकते हैं, GSNP एडमिन ऑफिसर, और यहाँ पर उसका नंबर हो जाएगा, जैसे कि मैंने 9688 ** लगा दिया है, तो इस तरह से नंबर हो जाएगा। फिर अगर आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने विशेष निर्देश दे रखे हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन की, द कार्ड एडमिट्स ओनली टू यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, यानी कि यह कार्ड केवल 2 को स्वीकार करता है, आपसे अनुरोध है कि शाम 4:30 बजे तक वहां पर बैठ जाइए, आ जाइए, वहां पर सीट हो जाइए, ठीक है। और नोट करके एक बात और लिख दी कि नो एंट्री फीस, यानी कि कोई भी यहाँ पर प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया, एंट्री फीस नहीं ली गई है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड यहाँ पर बना करके रेडी कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये डब्बा इस तरह से लगा दिया मैंने ताकि ये लगे प्रॉपर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो 5 मार्क्स का, ये भी रहने वाला है, ठीक है। तो इसके तीसरे के ए में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यू आर रीना या कृष्णा, यानी कि आपका नाम अगर आप लड़की है तो आपका नाम होगा रीना, अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर आपका नाम होगा कृष्णा, रेजिडेंस ऑफ करोल बाग दिल्ली, आप करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं, यू हेयर्ड पीपल शेयरिंग अबाउट टेररिज्म इन योर एरिया,
हाउ इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड अबाउट विच एवरीवन इज कंसर्न राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यू टाइम्स ऑन द फियर दैट इज स्प्रेडिंग अमंग पीपल ड्यू टू देयर जो है सो कि एंजाइटी ओवर द वाइड स्प्रेड टेररिज्म इन द इंडिया गिव सजेशंस टू कर्ब सच एंटी सोशल एक्टिविटीज. ये भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला. ये आपको एडिटर को लेटर लिखना है. ध्यान से समझिए इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि आप रीना या फिर कृष्णा है, करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं आप, ठीक है. आपने अपने क्षेत्र में लोगों को आतंकवाद के बारे में बात करते हुए सुना है, कैसे यह भारत में और दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में सभी चिंतित है. भारत में व्यापक आतंकवाद पर लोगों की चिंता के कारण लोगों में जो है डर का माहौल, भय का माहौल वो फैल रहा है. और द न्यू टाइम्स के संपादक को एक पत्र लिखना है और ऐसे असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव देना है कि कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है, ठीक है. तो आप चाहे तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है, आप उसको चाहे तो वो भी कर सकते हैं. ये आपका एक मतलब कह सकते हैं जॉब लेटर है यहाँ पर, ठीक है. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा रखा है पिछली वाली वीडियोस के अंदर, तो आप जाकर के हमारे पहले के पेपर्स देख लीजिए, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं एडिटर को लेटर कैसे लिखना है. करोल बाग दिल्ली 11069 15 दिसंबर 2022. यहाँ पर एक डेट मैंने अपने हिसाब से लिख दिया क्योंकि वहां डेट नहीं दे रखा. द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं होगा. क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें दे दिया कि आपको इस संपादक को, इस एडिटर को लिखना है. किसको लिखना है? द न्यू टाइम्स को. किसको लिखना है? द न्यू टाइम्स को, ठीक है. तो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर दे देगा तो उसी एडिटर को ही आपको लिखना है, ठीक है, उसी न्यूज़पेपर वाले को. तो यहाँ पर द न्यू टाइम्स आएगा, उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं न्यू दिल्ली 11022, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर संपादक का यानी एडिटर का यहाँ एड्रेस हो गया और ऊपर आपका एड्रेस करोल बाग वाला, ठीक है. फिर डेट हो गया, फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या था भाई, क्यों हम लोग ये लिख रहे हैं? तो वो था डेंजरस या वाइड स्प्रेड फियर ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का खतरा, व्यापक भय जो है, डर का माहौल जो बनता जा रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग ये एडिटर को लेटर लिख रहे हैं. अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है सर या मैडम, जो भी है, ठीक है. उसके बाद एक जो लाइन है, मैं हर बारी बोलता हूँ ये लाइन सेम रहेगा आपका हर एडिटर के लेटर में. कौन सा लाइन है? कि थ्रू द कॉलम जो है सो कि ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग फियर, ठीक है. ये प्रॉब्लम ऑफ तक जो है, ये वाला लाइन जो है हर एक एडिटर के लेटर में आपका सेम रहेगा, ठीक है. यानी कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से अशिक्षित वातावरण के कारण लोगों में आतंकवाद जो है इस तरह से जो फैल रहा है, फलाना ढिकना, तो ये चीज है. तो ये वाला जो लाइन है ना आपका, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है. यानी कि आपका जो सम्मानित न्यूज़पेपर है उसके देखते हुए मैं अपने व्यूज जो है इस तरह से आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ये वाला लाइन आप हर एक में सेम लिखेंगे. उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिख के दिखाया है. इस तरह से लिखना है, इंक्रीजिंग फियर ऑफ टेररिज्म पीपल ड्यू टू जो है सो कि अनएजुकेटेड एनवायरनमेंट, टेररिज्म हैज बिकम अ वर्ल्ड वाइड जो है सो कि फेनोमेनन एज अ वे ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. नाउ डेज पीपल गेट रेडी टू डाई एंड किल ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन. सिमिलर सिचुएशन हैज हैपेंड इन मैनी कंट्रीज इन विच इंडिया इज ऑल्सो वन. द ब्रोजन अटैक ऑन द डायनेस्टी एंड जो है सो कि प्रेजाइड ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैज कंप्लीटली शैटर्ड द फेथ ऑफ द पीपल वर्स इट हैज लेफ्ट बिहाइंड रिलीजियस जो है सो कि एंड इसमें एज इट ऑफर स्प्रिंग वाइड स्प्रेड. यानी कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से अशिक्षित वातावरण के कारण लोगों में आतंकवाद के बढ़ते भय की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ. राजनीतिक उद्देश्य से को प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में आतंकवाद को विश्वव्यापी परिघटन बन गया है. यानी कि आजकल लोग पॉलिटिकल एजेंडाज को कंप्लीट करने के लिए आतंकवाद का यूज करते हैं. पाकिस्तान में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है. आजकल लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. ऐसी स्थिति कई देशों में हो चुकी है, जिनमें से भारत भी एक है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक की गरिमा और प्रतिष्ठा पर
निर्लज्जा हमले ने लोगों के विश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये हमारे यहाँ पे जो मुंबई में अटैक हुआ था उसके बारे में बता रहा है, और अमेरिका के अंदर भी हुआ है अटैक, तो उसके बारे में भी बता रहा है। ठीक है, चकनाचूर कर दिया, इस तरह से उनके लोगों के विश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। इससे भी बदतर, इसने धार्मिक कट्टरता को अपनी संतान के रूप में पीछे छोड़ दिया है बड़े पैमाने पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर एडिटर को लेटर लिखेंगे, बीच के कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पर। फिर कुछ और बातें आप लिख सकते हैं कि कम्युनल राइट्स एज द रिजल्ट ऑफ दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया हैव क्रिएटेड अ ग्रेट फियर इन द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल एनीवेयर। इट इज ऑलवेज द कॉमन मैन हु सफर्स द मोस्ट इन द क्रॉस फायर ऑफ द पॉलिटिकल गेम्स। स्ट्रिक्ट मेथड्स शुड बी अडॉप्टेड टू रिस्टोर पीस एंड जो है सो कि हारमोनी इन द कंट्री। यानी कि अगर हम लोग बात करें भारत में इन आतंकवादी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे आम लोगों के मन में एक बड़ा भय पैदा कर दिया कि भाई दंगे होंगे, हो सकते हैं। वैसे भी हमेशा आम आदमी की ही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, मतलब आम आदमी को ही सबसे ज्यादा परेशानी होता है। राजनीतिक खेलों का जो क्रॉस फायर है, देश में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए सख्ती के जो है सो तरीके अपनाए जाने चाहिए, यानी कि सख्ती से ऐसे काम किए जाने चाहिए जिससे कि देश के अंदर पीस को मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ कुछ और चीजें हैं जैसे कि वन शुड कीप द जो है सो कि इंटरेस्ट ऑफ द नेशन अबव द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी और द इंडिविजुअल प्योरिटी मस्ट प्रिवेल एट ऑल कॉस्ट। यानी कि व्यक्तियों को राष्ट्र के हितों को समुदाय या व्यक्ति के हितों से ऊपर रखना चाहिए, यानी कि देश को पहले रखना चाहिए। पवित्रता हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए, यानी कि प्योरिटी मेंटेन रहना चाहिए। लास्ट में लिख देंगे थैंक यू योर ट्रूली रीना या फिर कृष्णा। अगर आप लड़की हैं तो रीना लिख देंगे, अगर आप लड़के हैं तो कृष्णा लिख देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पेपर के। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यानी कि आपको दो में से कोई एक अटेंड करना है, यहाँ पर दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चौथे के ए में क्या क्वेश्चन पूछा है कि यू आर शिव या शिवानी, यू आर वरीड अबाउट दिल्ली पॉल्यूशन एंड इट्स ग्रोइंग अप वेरी फास्ट रेट, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। यानी कि आप शिव है, यानी अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा शिव, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा शिवानी। आप दिल्ली के प्रदूषण के बारे में चिंतित है और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस पर लगभग 120 से 150 शब्दों में 120 to 150 वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, या तो चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया है, या तो आप ये वाला भी कर सकते हैं कि यू आर श्वेता या शिवम हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली। योर स्कूल ऑर्गेनाइज हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम इन योर स्कूल टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग अवर मॉन्यूमेंट्स, राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस प्रोग्राम इन अबाउट 120 to 150 वर्ड। ठीक है, ये 5 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो ये वाला जो बी वाला ये क्वेश्चन है ASN पब्लिक स्कूल वाला, ये मैंने ऑलरेडी जो सैंपल पेपर नंबर 1 करवाया था उसके अंदर ये करवा दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको रिपोर्ट लिखना है, तो आप चाहे तो रिपोर्ट लिख लीजिए या तो आर्टिकल लिख लीजिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाला देखेंगे, यानी कि ये जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने को जो बोला है, ये आर्टिकल लिख करके हम लोग दिखाते हैं। आर्टिकल लिखना भी बहुत आसान है भाई। पहले तो आपको एक टाइटल चूज कर लेना है, जैसे कि पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही थी तो यहाँ पर हमने एक टाइटल ले लिया, दिल्ली इज पॉल्यूशन अ मेजर कंसर्न, यानी कि दिल्ली का प्रदूषण एक बड़ी चिंता है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो इधर लिख देना है आपको कि बाय शिव या शिवानी, यानी कि अगर आप लड़के हैं और अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे बाय शिव, अगर आप लड़की हैं और आप ये आर्टिकल लिख रही है तो आप लिखेंगे बाय शिवानी। उसके बाद आपको अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर देना है। तो देखिए मैंने आर्टिकल कैसे लिख करके दिखाया है कि इन मई 2014 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड न्यू दिल्ली एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि मई 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो घोषित कर दिया कि भाई दुनिया का सबसे पॉल्यूशन वाला जो शहर है वो दिल्ली है। दिल्ली पॉल्यूशन हैज बीन अ ग्रेट कंसर्न ओवर द ईयर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन दिल्ली आर अ बिग थ्रेट टू दिल्लीज इनहेबिटेंट्स एंड टू द फ्लोरा एंड फना एज वेल। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण वर्षों से एक बड़ी चिंता का विषय रहा है,
दिल्ली में पर्यावरणीय समस्याएं दिल्ली के निवासियों और वनस्पति और जीवों के लिए एक बड़ा खतरा आज भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं आप कि द सिटी सफर्स फ्रॉम एयर पॉल्यूशन कॉज बाय रोड डस्ट एंड द गैसेस इमिटेड बाय व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डू नॉट हैव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। एज अ रिजल्ट दे डायरेक्टली थ्रो देयर लिक्विड वेस्ट इन टू द रिवर यमुना, ठीक है, या फिर कॉन्टेमिनेशन इट्स वाटर। दिस इंडस्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक एलिमेंट्स विच कॉज ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। यानी कि शहर जो है वायु प्रदूषण से ग्रस्त है, जो सड़क की धूल और वाहनों के द्वारा यानी गाड़ी उड़ी के द्वारा या उद्योगों के द्वारा जो भी गैस निकाला जा रहा है उसके कारण यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। अधिकांश लघु उद्योग यानी छोटे जो उद्योग होते हैं ये अपना कचरा सही से मेंटेन नहीं कर पाते और नदी के अंदर फेंक देते हैं। साथ अगर हम लोग बात करें नदी में तो यमुना नदी दिल्ली में बहती है, वहां पर फेंक देते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और डे बाय डे ग्राउंड लेवल का जो जमीन के अंदर का जो पानी है वो भी गंदा होता जा रहा है, वो भी खराब होता जा रहा है, ठीक है, वो भी दूषित होता जा रहा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। और कुछ बातें लिख सकते हैं आप लाइक स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट नर्सिंग होम्स डू नॉट हैव अरेंजमेंट्स टू ट्रीट हॉस्पिटल वेस्ट एंड इट इज थ्रो इन द ओपन एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। यानी कि छोटे अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम जो होते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में अस्पताल के कचरे के उपचार की व्यवस्था होती है और इसे खुले में फेंक दिया जाता है। मतलब आगे यहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह तो करवा सकते हैं लेकिन इनका कचरा उचड़ा ना ये लोग अच्छे से मैनेज नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल वगैरह का जो कचरा होता है ना वो बहुत क्रिटिकल होता है, उसको ऐसे ही खुले में नहीं फेंक सकते हैं लेकिन ये लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। देयर शुड बी अ सर्टन पॉलिसी फॉर जो है सो कि एफोरेस्टेशन एटमोस्फेयर पॉल्यूशन बायोमेडिकल वेस्ट डोमेस्टिक रिफ्यूज एंड वाटर एंड सेवेज ट्रीटमेंट। यानी कि इस सबके ऊपर जो है एक निश्चित पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हम लोग पॉल्यूशन को कम से कम कर सके। उसके बाद आप लिख सकते हैं एन एक्शन प्लान इज नीडेड इन द ऑर्डर टू इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ऑड एंड इवन नंबर फॉर्मूला कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कर्ब द पॉल्यूशन फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि पर्यावरणीय समस्या में जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। देखिए जनता अगर वहां पर सपोर्ट करेगी ना तो हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई एक आदमी नहीं बचा सकता। साथ ही साथ उनको अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए ताकि लोग जो है प्रदूषण को कम से कम होने दें। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जो देश का राजधानी है यानी भारत की राजधानी दिल्ली है उसको बचा सके प्रदूषण से। और ऑड और इवन नंबर वाला जो फॉर्मूला चलता है गाड़ियों को इस तरह से चलाया जाता है, ठीक है, तो ये काफी मेजर रोल प्ले कर सकता है या कह लीजिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पॉल्यूशन को कम करने में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आर्टिकल लिखना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके आगे अगर हम लोग चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन सी, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है जो कि अकेला ये सेक्शन 40 नंबर कैरी करता है। जी हाँ बच्चों, टोटल आपका पेपर होता है 80 नंबर का, तो 80 में से बच्चों यहाँ पर 40 नंबर का अकेला सेक्शन आपका सी आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे, अभी से कुछ देर में ही वो वीडियो आ जाएगा जो कि पार्ट टू वाला वीडियो रहेगा। ये हमारा पार्ट वन वाला वीडियो था जिसके अंदर हमने बच्चों सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया और सेक्शन बी जो था हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और इससे पहले भी हमने इंग्लिश का जो है सो कि सैंपल पेपर नंबर 1 कर रखा है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा सैंपल पेपर नंबर 1 का, जिसके अंदर दो पार्ट में मैंने आपको एक सैंपल पेपर करवा दिया है और ये सैंपल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अभी से कुछ देर में इसका पार्ट 2 भी ला दूंगा आपके लिए मैं, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके क्या करना है आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी आना है, तो
तो अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस करके रखेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे, अभी जैसे पार्ट टू का वीडियो डालूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाया करेगा और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप वीडियो देखेंगे, आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।